चलिए हम आपको ले चलते हैं भिवंडी शहर वार्ड क्रमांक 10 में वार्ड क्रमांक कांग्रेस के नगर सेवक आरिफ दादा से खास मुलाकात। हम आपको बता दें कि गत दिनों पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से पकौड़ा आंदोलन का एक आयोजन किया गया था, जहां पर आरिफ दादा ने अपने वक्तव्य में सबसे पहले वहां पर देश के प्रधानमंत्री का जो एक बयान, विवादित बयान आया है कि पढ़े लिखे युवा जो हैं अगर पकौड़े बेचते हैं तो वो भी 200 रुपये ले जाकर अपना घर चला सकते हैं। लेकिन इस विषय को लेकर आज हमने वार्ड क्रमांक 10 के नगर सेवक आरिफ दादा से यानी कि आरिफ खान से मुलाकात की। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि अगर 200 रुपये में किसी गरीब का घर चलता है तो मुझे बताएं। ऐसे हम आपको बता दें कि उन्होंने हमसे काफ़ी कुछ चर्चा की। गत दिनों पहले हमने उनसे एक मुलाकात की गई थी हमारे चैनल के माध्यम से, जो भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के अंदर जन्म मृत्यु दाखिला को लेकर भी हमने एक खास मुलाकात की थी, जहां पर महासभा में आने अभी 31 तारीख को जो महासभा थी, महासभा के अंदर जो जन्म मृत्यु दाखिला लेने के लिए घर पट्टी नल पट्टी का जेरोक्स लगाना पड़ता था उसे रद्द कर दिया गया है और उसका ठहराव जल्द से जल्द नागरिकों के बीच में आ जाएगा, उनसे नागरिकों को राहत मिलेगी। बहुत सी समस्याओं को लेकर हमने उनसे बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कहना है वार्ड क्रमांक 10 के नगर सेवक आरिफ खान उर्फ आरिफ दादा। सर क्या कहेंगे, गत दिनों पहले सबसे पहले तो हम भिवंडी निजामपुर सर महानगर पालिका की ओर आते हैं कि आपने गत दिनों पहले हमारे चैनल के माध्यम से भिवंडी निजामपुर सर महानगर पालिका में जो मनमानी तौर पर घर पट्टी नल पट्टी जन्म मृत्यु दाखिला को निकालने के लिए जो लिया जा रहा था उसको लेकर अभी क्या कदम उठाई भिवंडी निजामपुर सर महानगर पालिका, इसकी जानकारी देंगे। आपके चैनल के माध्यम से जो इंटरव्यू दिया गया था कहीं ना कहीं उसका बहुत ज़्यादा असर हुआ है। हम तमाम नगर सेवकों ने मिली थे महापौर साहब से अपील की थी इसको हटाने की और उन्होंने हमारी बात मानी और 31 जनवरी को जो सभा हुई थी उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया है और हो सकता है 10 से 15 दिनों में वो इंप्लीमेंट होकर नीचे जन्मपत्री डिपार्टमेंट में आ जाए और वो जन्मपत्री का जो मामला है कि घर पट्टी क्लियर रहना चाहिए, फ्री रहना चाहिए तभी मिलेगी, तो वो ख़त्म कर दिया गया है। जावेद अली साहब ने उसे ख़त्म कर दिया है। सर देश में अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री पकौड़े को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठा दिया है कि जो बेरोजगारों को रोजगार, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे उनके मतलब कहीं ना कहीं मजाक उड़ाते हुए नजर, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे जो पकौड़े का जो विषय चल रहा है? मुझे तो नहीं लगता है कि उन्होंने खाली पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों का मजाक उड़ाया है, उन्होंने इस मुल्क के तमाम लोगों का मजाक उड़ाया है, वो पढ़े लिखे हो या बच्चे हो, क्योंकि उन्होंने बच्चों का एक जहन बना दिया है कि पढ़ लिख के तुमको पकौड़े ही बेचना है। इससे पहले मैंने दो तीन दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि एक दिन ऐसे ही मैंने मेरे बच्चों को उठाया स्कूल जाने के लिए कि बेटा उठ स्कूल जा, तो वो उठा बोला अबू मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा क्यों बेटा स्कूल क्यों नहीं जाएगा, बोले क्योंकि मोदी जी बोलते हैं कि पढ़ लिख के पकौड़े ही बेचना है तो स्कूल जाके मैं क्या करूँगा। तो उसका मेरे से ये बोलना था कि अबू एक काम करो, तुम जो मेरी पढ़ाई के पीछे पैसा खर्चा कर रहे हो वो पैसा तुम किसी बैंक में जमा कर दो ताकि मैं बड़ा हो जाऊँ तो वही पैसे से मैं पकौड़े बेचूँ ताकि मुझे बैंक से सरकार से भीख ना मांगना पड़े, सरकार से लोन ना लेना पड़े। तो इस तरह उन्होंने मोदी जी ने जो छोटे बच्चे हैं आजकल स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके जहन में एक चीज़ डाल दी है कि पढ़ लिख के पकौड़े ही बेचना है। हर बच्चे बच्चे के जबान में ये बात है कि पढ़ लिख के पकौड़े बेचना है, तो उनका जो दिमाग है पढ़ाई से हटता जा रहा है। तो मोदी जी ने जो कहा है जुमला ये बहुत ही गलत जुमला है, मोदी जी को इस जुमले के लिए हिंदुस्तान की आवाम से माफ़ी मांगना चाहिए। उन पढ़े लिखे विद्यार्थियों से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस तरह की बातों को लेकर उनमें भी कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों से तो मेरा ये कहना है कि आप लोग 4 साल से बेरोजगार हो तो आप कोशिश ये करो कि 1 साल आप और बेरोजगार रहो और इस मुल्क से BJP को उखाड़ के फेंक दो। जो तुम्हें पकौड़े बेचना कहती है तुम कांग्रेस की हुकूमत लाओ, मनमोहन सिंह की हुकूमत लाओ, जो 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह ने जैसी सरकार चलाई थी वैसे आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाओ ताकि पढ़े लिखे लोगों को अच्छी से अच्छी नौकरी मिले और जो पढ़े लिखे नहीं है जो थोड़ा गरीब तबका है वो भी पकौड़ा बेच के 200 रुपया घर लेके नहीं जावे, कम से कम 1000 रुपया कमाओ। मोदी जी का बोलना है कि 200 रुपये में एक पकौड़े बेचने वाला भी बेरोजगार 200 रुपया घर लेके जाता है। तो मेरा आपसे ये पूछना है तो मुझे ये बताओ कि 200 रुपये वो आदमी जो कमा के ले जाएगा वो 200 रुपये में क्या करेगा? वो अपने बीवी बच्चों का पेट पालेगा, अपने माँ बाप का पेट पालेगा कि बच्चों को पढ़ाएगा? और अगर बच्चों को पढ़ाएगा तो 200 रुपये में इसका काम वो कैसे करेगा? जरा मोदी जी से इस सवाल का भी जवाब ले लो कि 200 रुपये में क्या क्या करना है।
ऐसे में भाजपा के भिवंडी शहर अध्यक्ष संतोष शेट्टी का मानना ये है कि भिवंडी शहर में अगर बेरोजगार जो युवा पढ़े लिखे अगर घूम रहे हैं, उनका मानना है कि हमारे पास लिखा ये मोदी जी की कई ऐसी स्कीमें हैं जिससे वो जोड़ेंगे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार दिलाने की बात करेंगे। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के भिवंडी शहर अध्यक्ष संतोष शेट्टी बड़ी जवाबदारी के साथ में कह रहे हैं कि चाहे वो एक हो या दस हो या सौ हो, उनको सभी को काम दिलाने की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी की जो नौकरी की योजना है प्राइम मिनिस्टर साहब की, वो सिर्फ संतोष शेट्टी जी को ही मालूम है क्या? प्राइम मिनिस्टर को मालूम नहीं है कि उनकी क्या योजना चल रही है? अगर ऐसी ही कुछ योजना चली होती तो वो वहाँ जब बयान दे रहे थे पकौड़े का, तो वो इस योजना का बयान देते, वो ये नहीं कहते कि जाके पकौड़ा बेचो। तो ये जो ये कहा जा रहा है कि हम नौकरी दिलाएंगे संतोष शेट्टी साहब की तरफ से, ये एकदम झूठ बात है, गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती तो प्राइम मिनिस्टर साहब ये नहीं बोलते कि पकौड़ा बेचो, वो अपने स्कीम का हवाला देते नौकरी के लिए। देश की जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे? मेरा तो देश की जनता से यही बोलना है, और खासकर बेरोजगारों से जिनको नौकरी नहीं मिल रही है इन चार सालों में, वो एक साल और मेहनत करें और इस मुल्क से बीजेपी की सरकार को ख़त्म कर दे हुए और कांग्रेस की सरकार लावे, ताकि उन्हें अच्छी से अच्छी नौकरी मिल सके। और वो ये करके अपने ऊपर तो वो एहसान करेंगे, जो आजकल के छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, ये उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा एहसान होगा उन लोगों का, अगर वो एक साल मेहनत कर देते हैं और बीजेपी को इस मुल्क से हटा देते हैं और कांग्रेस की सरकार ले आती है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद। We'll be right back.